नमस्कार, न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को पूर्व रेल मंत्री एवं राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाले में नई चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी है। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को आज यह जानकारी दी। कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दी गई जानकारी को देखते हुए 21 सितम्बर को सुनवाई की अगली तारीख मुकर्र की है। हरियाणा पुलिस ने भिवानी में जिंदा जलाए गए नासिर जुनैद हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है। गौरक्षक मोनू मानेसर को गुरुग्राम से पुलिस ने हिरासत में लिया है। हरियाणा पुलिस अब उसे राजस्थान पुलिस के हवाले कर सकती है। मोनू मानेसर पर भिवानी में जिंदा जलाए नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप है। केंद्रीय मंत्री और रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर खुद ही भारत में मिल जाएगा। राजस्थान के दौसा में एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए वीके सिंह ने कहा, पीओके खुद ब खुद भारत में मिल जाएगा, बस कुछ वक्त का इंतजार कीजिए। वीके सिंह राजस्थान में परिवर्तन संकल्प रैली में शामिल हो रहे थे और यात्रा के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत से केंद्र को झटका लगा है। अदालत ने राजद्रोह कानून की वैधता की जांच को स्थगित करने के केंद्र के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने पर सहमत है। मणिपुर के कांगपोकपी में मंगलवार को फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। अज्ञात हमलावरों ने कांगुई इलाके में इरेंग और करम वैफई गांव के बीच सुबह करीब 8:20 पर ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 3 की मौत हो गई। इससे पहले 8 सितंबर को टेंगनोपोल के पल्लेल में भड़की हिंसा में भी 3 लोग मारे गए थे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज एक बार फिर अपने कोलकाता स्थित दफ्तर में पूछताछ की। उन पर शहर के न्यू टाउन में फ्लैट देने का वादा कर वरिष्ठ नागरिकों से ठगी करने का आरोप है। इससे पहले 5 सितंबर को भी नुसरत जहां की इसी मामले में ईडी के सामने पेशी हुई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में डीजल इंजन वाले वाहनों पर लगने वाली GST में 10% की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र देने की बात भी कही है। भारत में डीजल इंजन वाले वाहनों को खरीदना इससे जल्द ही महंगा हो सकता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने चिटफंड कंपनियों की ओर से धन की वापसी सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने के लिए राज्य सरकार को 45 दिन की समय सीमा तय की है, ताकि विभिन्न चिटफंड कंपनियों में लोगों द्वारा निवेश किए गए धन की वापसी सुनिश्चित की जा सके। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मंगलवार दोपहर कनाडा के लिए निकल गए। जस्टिन का विमान खराब हो गया था और इस वजह से ट्रूडो भारत में फंसे हुए थे। ये विमान तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रहा था। इसी को देखते हुए कनाडा से एक दूसरा विमान भारत बुलाया गया। ट्रूडो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे और यहाँ उन्होंने PM मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी की थी। लीबिया में आए विनाशकारी तूफान और बाढ़ से हजारों लोगों के मरने की आशंका है। पूर्वी लीबियाई सरकार के नेता ने कहा है कि 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग लापता हैं। पूर्वी लीबिया में तूफान को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है और स्कूल दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है।